इस बीच जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली में शिफ्ट हो सकते हैं डूडी। जी हां, रामेश्वर डूडी को दिल्ली में शिफ्ट किया जा सकता है। डूडी की तबीयत स्थिर बनी हुई है, फिलहाल न्यूरो आईसीयू में वो एडमिट हैं। रामेश्वर डूडी आईसीयू में, मेडिकल बोर्ड के सभी सदस्य पहुंचे हैं और मंत्री बीडी कल्ला भी यहां मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि जो मेडिकल टीम के सदस्य हैं उन्होंने लगातार जांच की है और पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं रामेश्वर डूडी की स्थिति पर, उनकी हालत पर। फिलहाल स्थिर उनकी तबीयत है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि रामेश्वर डूडी को दिल्ली में शिफ्ट किया जा सकता है। जयपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, रामेश्वर डूडी को दिल्ली में शिफ्ट किया जा सकता है। तबीयत तो हालांकि उनकी स्थिर बनी हुई है, फिलहाल न्यूरो आईसीयू में वो एडमिट हैं। आईसीयू में मेडिकल बोर्ड के सभी सदस्य पहुंचे हैं, मंत्री बीडी कल्ला भी यहां पर मौजूद हैं और उनका हालचाल जान रहे हैं, डॉक्टरों से उनके कुशलक्षेम की बातचीत कर रहे हैं। और इसी दौरान ये खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली में रामेश्वर डूडी को और बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट किया जा सकता है। तो ब्रेन हैमरेज के कारण रामेश्वर डूडी को अस्पताल में भर्ती किया गया, फिलहाल एसएमएस अस्पताल जयपुर में भर्ती हैं। लगातार डॉक्टर की टीम उनकी निगरानी कर रही है। अभी स्थिति तबीयत रामेश्वर डूडी की स्थिर बताई जा रही है, हालांकि डॉक्टरों का पैनल लगातार उनसे जानकारी ले रहा है। लेकिन ये एक जानकारी निकल कर आई है कि हो सकता है कि रामेश्वर डूडी को शिफ्ट किया जा सके। तो अभी कोमा में रामेश्वर डूडी हैं और आईसीयू में एडमिट उनको किया हुआ है, और ब्रेन हैमरेज के बाद कल उनका ऑपरेशन भी किया गया था। इसके अलावा एक ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का जमा हो गया था, उसको निकाला गया है। डूडी की तबीयत जो है अभी स्थिर बनी हुई है। हाँ, अगर उनके अभी तक के सफर के एक सरसरी निगाह से हम देखें, एक बड़े कद्दावर नेता हैं रामेश्वर डूडी और लोग दुआ भी रामेश्वर डूडी की बेहतरी के लिए लगातार कर रहे हैं। नोखा के पूर्व विधायक हैं रामेश्वर डूडी और लगातार कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलती रही है और इसके साथ ही साथ फिलहाल जो समर्थक हैं रामेश्वर डूडी के, जो उनके क्षेत्र के लोग हैं, वो रामेश्वर डूडी की बेहतर तबीयत के लिए लगातार दुआ कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रामेश्वर डूडी स्वस्थ हो जाएं। महेश दाधीच हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश दाधीच, दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है क्या? कुछ अभी डॉक्टर डिसाइड कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं? देखिए, ये चर्चा जो है ये सामने निकल करके आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि रामेश्वर डूडी, जिनकी तबीयत बहुत नासाज चल रही है, उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है। एक बात ये जो है सामने आई है अभी, हालांकि ऑफिशियल इसकी पुष्टि जो है वो नहीं हुई है यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से आज दोपहर में जो है बीडी कल्ला पहुंचे थे, उसके बाद में एक बार फिर से मंत्री बीडी कल्ला जो है उनके स्वास्थ्य को जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये उन्होंने कहा था दोपहर में कि अगर जरूरत पड़ी और अगर डॉक्टर्स यहाँ पर कहते हैं तो उन्हें दिल्ली एम्स में जो है शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद में जो पूरा बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड जो जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर अतुल शर्मा, उनके निर्देशन में जो गठित किया गया बोर्ड है, वो तमाम बोर्ड के सदस्य यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक बार फिर से जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर के पूरी जो जानकारी है वो एक्सपर्ट के साथ में भी साझा की जा रही है। वहां से चर्चा भी है जो इस मामले में की जा रही है और यहाँ पर जरूरी माना जाएगा तो संभवतः जो है यहाँ से दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है, एक संभावना जो है वो यहाँ पर बन रही है। क्योंकि जो स्वास्थ्य में उनके सुधार की जो बात है वो बहुत ज्यादा जो अच्छे सकारात्मक जो रिजल्ट है वो उसमें अभी तक कोई बहुत खास तौर पर सामने नहीं आए। इस वजह से जो हालत उनकी है जो नाजुक है, गंभीर बनी हुई है और तबीयत अभी तक स्थिर बनी हुई है, इस लिहाज से रामेश्वर डूडी को शिफ्ट करने को लेकर के भी जो एक चर्चा है वो सामने आई है। दिल्ली उन्हें शिफ्ट जो है वो किया जा सकता है, फिलहाल इसका कोई आधिकारिक पुष्टि अभी यहाँ पर नहीं की गई है। एक बार मेडिकल के सदस्य अगर बाहर आएंगे, खुद जिन्होंने अतुल शर्मा जिन्होंने की यहाँ पर सर्जरी किया था कल, वे खुद ही जो है अगर यहाँ पर इस बात को पुष्टि करते हैं तो इसका ये माना जा सकता है कि फिर ग्रीन कॉरिडोर बना करके एसएमएस हॉस्पिटल के बांगड़ से उन्हें एयरपोर्ट ले जाया जा सकता है और उसके बाद में दिल्ली जो है एयर एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा सकता है। यह फिलहाल जो है टेंटेटिव इस बात को माना जा सकता है, लेकिन अभी तक जो है इस बात की पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है। जो जानकारों के साथ में जो एक्सपर्टाइज है उनसे चर्चा करने में ये बात जरूर सामने आई कि इस बात पर विचार किया जा सकता है, किया जा रहा है और ये ऐसा संभव है कि जो है यहाँ पर दिल्ली शिफ्टिंग जो है उनकी की जा सकती है। फिलहाल जो जी बिल्कुल आप नजर बनाए रखें महेश, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल धन्यवाद।